गमनी आगे तो गमनी गमनी आगे तो है। आज हम जा रहे हैं गमनी मैच खेलने के लिए जंगल, जहाँ पूरा जंगल जंगल है। तो आज संडे है और कल मैं घर आ गया, क्योंकि संडे के वजह से मार्केट में कुछ होता नहीं है। तो मैं सोचा आज क्यों ना घर पर जाऊँ और घर पे मज़े करूँ। तो आज हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने, जहाँ की पूरा जंगल ही जंगल है। तो अभी जाएंगे थोड़ी देर में और सबके सब अपने घर से रोटियां ले जा रहे हैं पैक करके, जो भी बची हुई है, क्योंकि वहाँ इतनी भूख लग जाती है, हम शाम को ही वहाँ से घर आ पाते हैं। और देखते हैं जंगल में क्या क्या है। और काफ़ी मतलब टाइम बाद आ रहा हूँ मैं घर पर, वैसे भी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। शाम को आया था तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, और ऐसा मतलब गर्मियों का टाइम है तो ठंड तो लगना नहीं चाहिए वैसे, तो काफ़ी ठंड लग रही है आजकल गांव में। यहाँ पे मीटअप चल रहा है, मीटअप। और ये हैं हमारे बैल। हेलो, से हाय। हेलो, ठीक है, मारने आ रखे भाई। हेलो, ठीक है। और ये भैंस हमारे है, और ये छन्नी है गौशाला। अरे माल्टे का पेड़ है जिसपे अभी एक भी माल्टा नहीं है। अरे तैयारी हो रही जंगल जाने की। कहाँ जा रहे हैं आज हम? आज हम जा रहे हैं गबनी, जहाँ पूरा जंगल ही जंगल है। कर दी रोटी का पैक। शायद रख भाई, शायद रख यार, गला खराब नहीं होगा। डोंगन तो डोंगन ले जाओ। वो डोंगन पे सोच है, डोंगन ले जाओ। अरे हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे, ये रहा नीचे। भाई जंगल हम जा रहे हैं और लस्सी भी ले जा रहे हैं भाई साथ में, नमक भी है, रोटियां इकट्ठा हो चुकी है, जितने भी घर में जिसकी जितनी रोटी बची है सब ले जा रहे हैं। अभी तो और भी हैं, लौंडे आ रहे हैं नीचे से। तो ऑल आए क्या लस्सी? बोतल तो है ही नहीं, बोतल कहाँ है? बोतल नहीं है, बोतल। चल फिर लेके आ जा। क्या ले और मेन ले, ये बंदा समझदार लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो बहुत दिन के बाद गाइस, तो आज काफी दिनों बाद हम गबनी जा रहे हैं और वहाँ मैच खेलेंगे। डंडी है ना, डंडी भी है वहाँ, वहाँ उसमें नहाएंगे भैंस की। नहीं गर्मी, पहले बूझ देंगे उसको, फिर नहाएंगे उसमें। और आधे बंदे आगे जा चुके हैं तो हम भी जा रहे हैं धीरे धीरे, काफी दूर है यहाँ से। अब हमारे गाँव में ज्यादा बंदे शादी में जा रखे हैं फिलहाल, तो हम ही है मतलब कितने 10-12 लौंडे ना। तो चले चलते हैं, लेट्स गो भाई। अभी काफी ज्यादा चढ़ाई है यार, यहाँ पे देखो पूरी चढ़ाई है ऊपर गबनी के लिए। अरे रंग रूट हमारे काफी थक गए हम, क्योंकि काफी चढ़ाई है और आधे बंदे तो अभी पीछे ही आ रहे हैं। तो बंदे आगे बैठ रखे हैं, आगे बैठेंगे जाना भी वहाँ ऊपर, बहुत ऊपर, फिर वहाँ से भी चढ़ाई है। यहाँ बीच में कहीं भी पानी नहीं आता, सीधे ऊपर जंगल में आता गबनी में। तो चलिए चलते हैं आराम आराम से, भी क्रिकेट भी खेलना है। आस पास का व्यू दिखा दीजिए, हमारे इधर का व्यू दिखा। तो सामने देख सकते हैं आप हाल है। फाइनली भाई पहुंच चुके हैं हम, ये हमारी बैठने की जगह है जहाँ पे कट कर बहुत लंबा लंबे रास्ते से आते हैं, फिर यहाँ पे बैठते हैं। काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, थकान भी लग गई है, और हम थोड़ा लकड़ियाँ भी लाएंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई साहब। आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बुरास है देख सकते हैं आप, और ये धीरे धीरे सूखने लग गया है, क्योंकि कई महीनों से बारिश हो नहीं रही है। और फिर अभी काफल भी पकेंगे धीरे धीरे, अभी बारिश हुई नहीं तो अभी पके नहीं है वो भी। तो हमारा एक दोस्त अभी बैग छोड़ गया नीचे घर पे, तो जा रखा आधे रास्ते से नीचे बैग लेने के लिए, और हम जाएंगे ऊपर खेलने के लिए। तब तक खेल लेंगे हम थोड़ा सा, चले तो अभी यहाँ पे से काफ़ी दूर है, लगभग 600 मीटर और होगा, और अभी चढ़ाई है ऊपर तक, फिर वहाँ से डाउन है, और वहाँ पूरा पानी पानी है, यहाँ बिल्कुल नीचे तक पानी नहीं है बिल्कुल। तो वहाँ पे हम पानी पियेंगे, काफ़ी शुद्ध पानी आता है वहाँ पे, वहाँ पे एक बना रखा है छोटा सा पानी पीने के लिए। तो आओ बताते हैं आपको। हिमुल्ला यहाँ
और यहाँ से पानी स्टार्ट हो चुका है जो कि मतलब लगातार पानी बहता रहता है इधर, तो देख सकते हैं आप ये पानी है पूरा। और यहाँ पे काफी फिसलन भरा रास्ता भी है और आगे पे पानी पानी पीने का जो मतलब स्रोत है वो आगे पे ही है, तो वहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि हमारा एक दोस्त पीछे रह गया है और वो अभी मतलब टाइम लगाएगा थोड़ा आने में। काफी डेंजर रास्ता है भाई इधर का, ऐसे जंगलों में मैन और से वाइल्ड करने का कुछ और ही मजा है भाई। यहाँ तो काफी जंगली जानवर भी दिखाई देंगे और जैसे कि सुअर हो गया, हिरण हो गया, काफी जंगली जानवर दिखाई देते हैं। पार्टी थी माते, अरे हमारी बुल्ली है, प्यारी बुल्ली। हेलो ताले हंसले बासरा चलो गमली मैच खेलते पहले तब जाना लकड़ी के लिए। चलो आज के ओपनर तो जब मैं पिछली बार आया था तो ये पेड़ ऐसे गिरा हुआ था और अब इस पे हरे हरे पत्ते आ चुके हैं, तो मतलब अभी है पता नहीं तूफान से गिरा था शायद। और आगे पे जहाँ पे बैठे हैं लौंडे वहाँ पे हम पानी पियेंगे, स्रोत है वहाँ पे पानी का। अरे पानी का स्रोत है जो कि इन्होंने काफी हम पहुंचने वाले हैं ग्राउंड में गबनी, और आगे से दो बैट्समैन जा रहे हैं और एक के भाई भी अभी रंग रूट काट के आ रखे घर कुछ दिन पहले। और कितने छुटा जो अरे कितने छुटा जो, और वो क्लब में खेलता हूँ भाई ऊपर पहुंच गया। और तीन कुत्ते भी आ रखा हमारे साथ, आज वो शेर को पकड़ के लेके आएंगे पानी में डाले। और ये कालू, या और व्यू देखिए भाई साहब कितना तगड़ा रहा है यार। भाई कुत्ते हमसे पहले पहुंच गए हैं भाई, और नहा भी लिया उन्होंने नदी में, छोटी सी डंडी है नीचे पे, फिर अभी देखते हैं हम वहाँ पे संवाद करेंगे थोड़ी देर में। काफ़ी तेज़ धूप लगी है और गर्मी भी काफ़ी तेज़ हो रही है, और अभी हमारे बंदे थोड़ी देर में आएंगे क्योंकि एक ने बैग ही छोड़ दिया घर पे, तो अभी आ रहा होगा रास्ते पे थोड़ी देर में आएगा। लब ओए लड़ाई मत कर भाई, कल लड़ाई कर रहे आपस में। और ये हमारा गबनी स्टेडियम जो कि काफ़ी मतलब और स्टेडियम से सबसे अच्छा है, यहाँ बॉल भी नहीं खोती और छक्के दूर दूर। यहाँ ये जो पेड़ है यहाँ इस यहाँ तक भी मार के हमारे जो बंदे हैं यहाँ पे। ये साले कुत्ते लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं ये वाइट वाला नहीं, ये बाकी जो है ये क्या है काटना मात्र उसको, तू नहीं खिला रहा के साथ नहीं।
तो गाइस ये हमारा गवनी स्टेडियम और यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ पानी बहता है यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे आप यहाँ स्टे करने आ सकते हो, तो अपने साथ खाना ला सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जंगली जानवर इतने रहते नहीं है। और अभी फिलहाल हमारा मैच चल रहा है, हमारी बैटिंग है और हम यहाँ बैठे हैं छाया में, तो हमने तीन चार मैच खेल लिए हैं। सही बोल रहा है भंडारी, अभी मैच हारने वाले हैं सबके सब। और काफ़ी तेज धूप है तो सुस्ती काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो आसमान में एक भी बादल नहीं है भाई। शेर सिंह खेल रहा फिलहाल, इस पेड़ के पीछे छक्के मारते हैं भाई, इस पेड़ के पीछे तक काफी मतलब अच्छा स्टेडियम है यहाँ पे। शेर सिंह का लंबा छक्का भाई, खुल गया इसका शॉट खुल गया। अरे यार फुटका उसमें यार। हेलो गाइस, ये हम हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं दिखा जरा ढंग से। अरे गाइस ये हम हैं, ये मैं हूँ, अरे मेरे दोस्त हैं, सारे के साथ चूतिए बैठे हैं। और ये चैनल का मालिक सोहन सिंह, और छाछ ला रखी है हमने, रोटी ला रखी है, रोटी खाएंगे मैच खेलने के बाद। तो अभी ये बंदे थक चुके हैं क्रिकेट खेल के, काफी तेज धूप है और थोड़ा सांस लाए थे हम घर से, तो छाछ भी पी ली सबने, रोटी हम थोड़े एक दो मैच के बाद खाएंगे, और हमें एनर्जी आ चुकी है छाछ पी के, तो इसके बाद ही खाएंगे हम रोटी, ठीक है भाई। खतरनाक नींद है इसकी भाई, लौंड को भूख लग गई और यहाँ पे रोटियां भी खुल चुकी हैं, अब हम रोटियां खाएंगे यहाँ पे, जिसके घर में जैसी रोटी सब ऐसी लगी, बासी थी बासी, पता नहीं सब खाया जा रहा है। शादी थी तो सब दो दिन पहले की रोटियां ला रखे। फोटो आ जा, इधर बाद में लोन गए हमारे लोन मकान लास्ट में ले रहा है, लून खाना मिल रहा है अरे वो तो माछ दाल से दाल कनगा खत्म हो गई चटनी, क्या दुकानदार सर हमको भी दे दो चटनी, पसंद करा सर को भी दे दो चटनी। आई तो तुम भी सीखे, अरे सर दे दे दे, बाकी तुम खा लो भैंस की चटनी खत्म हो गई। प्याज दिया जरा फर्क देखते सर यार। आप ले रोट कर, रोट कर। अब एक काम करना, इन कपड़ों से सबको रोट पर। अरे के बोट के बाट खा जानी हम दिए के कर चलो ट्रेंड ले मिट्टी में निकल आई बराबर साहब। ये किस कर है? हाँ भंडारी बोल, दाल मत देना वहाँ कहना डाल ना लोग बोलने तब लोग बोलने और उड़ा के मैं बंदे नहीं मैं भाई, सब के सब भूखे हैं। मैं क्या घाटा भाई, सबने खा लिया रोटी, अब मैच खेलेंगे हम, दो चार और मैच खेलेंगे उसके बाद जाएंगे घर की ओर। कुत्ते हैं हमारे साथ दो, इनको भी खिलाया हमने, मैं पैर पकड़ दो घर जाता हूं। कुत्ता ही भी कहाँ जा रहा है, घर जा रहा हूं। घर का निकल जाएगा तू, अब तक तो लेबल बोलने वाला यार।
थोड़ा सा रोटी कम पड़ गई सबके लिए वैसे, एक एक रोटी अम्मी पड़ी मेरे लिए तो नहीं पड़ी भाई, इधर मत दिखाना तेरे को पड़ेगी क्यों, तो बॉल लात मारा घंटा खेल रहा तू डाल देना जरूर से अरे बेटा मार निकल भाई। तो हम खेलने जा रहे हैं फिर से और अब मेरे को नीचे बैठ सका गुंडा और करे का साहब जा, जा। तो अब हम खेलने जा रहे हैं दोबारा और अभी शायद 3 बज गया है दिन का, तो देखते हैं शाम को 4 या 5 कब तक 6 बजे तक पहुंच पाएंगे घर। अभी देखते हैं, अभी एनर्जी आ गई रोटी खा के मस्त मार के अरे हमारे शेर सिंह भाई क्योंकि एक हफ्ते की छुट्टियां आए हैं, देहरादून चले जाएंगे गवनी के लिए मैच खेलने के लिए आ रहे सबके साथ। चलो खेलने चलते। सो फाइनली मैच खत्म हो चुका है और शाम के 5 बज चुके हैं और अंधेरा भी होने वाला है थोड़ी देर में, और अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। कुछ बंदे तो लकड़ियों के लिए गए हैं, हम भी देखते हैं नीचे पे कुछ मिल जाए तो देखते हैं, तो चलते हैं अभी फिलहाल घर की तरफ।